तो नमस्कार दोस्तों, आज की मैं जो टॉपिक में लेकर गया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है जिसमें से हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग काफी चीजों को सीख रहे हैं, या इसमें से बहुत ऐसे हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो लोग काफी टाइम पहले सीख करके गए थे, और आज की डेट में जो ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल टेक्नीशियन लोग काम कर रहे हैं, और उन टेक्नीशियन लोग को काम करने में प्रॉब्लम आ रही है कि वो मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम को नहीं ढूंढ पाते। मतलब हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन के अंदर फॉल्ट कौन कहने ठीक कर पाते, कि कोई भी मोबाइल फोन के अंदर कमी आ रही है। जैसे कस्टमर कह रहा है कि मेरे मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही, हमारे मोबाइल फोन में डिस्प्ले नहीं काम कर रहा, हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आ गया, या मेरा मोबाइल फोन डेड हो गया, ऐसी बहुत सारी तमाम प्रॉब्लम आती है। तो उन सारी प्रॉब्लम को हम लोग नहीं ठीक कर पाते। क्यों नहीं ठीक कर पाते? क्योंकि हमको मोबाइल फोन के अंदर मदरबोर्ड के बारे में नॉलेज नहीं होते। क्योंकि दोस्त, आप ये समझ लीजिए, अगर आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग करना सीखना है, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बारे में नॉलेज रखना है, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली बात है मदरबोर्ड के बारे में आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सर, मदरबोर्ड लेके आइए एक नया। आप जैसे देखेंगे, ये मेरे पास ये मोबाइल फोन है और ये मेरे मोबाइल फोन का बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मान लिया मेरा मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल सी बात है, जैसे आपके पास ये मोबाइल फोन आया, इस मोबाइल फोन में स्पीकर नहीं काम कर रहा, या इस मान लिया अब इस मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग नहीं हो रही, या मोबाइल फोन डेड हो गया, या हमको ये पता करना है ये मोबाइल फोन के अंदर आईसी कैसे काम करते हैं, ये सप्लाई कैसे काम कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में पता करना है। तो हम आज जो वीडियो में लेकर के आए हैं, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, या हम लोग जो आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर के आए हैं, ये एक बोर्नियो सिमेटिक के ऊपर एक सीरीज लेकर के आया हूँ, जो कम से कम अगर देखा जाए तो 15 से 20 वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सारे ऐसे लोग हैं जो लोग काफी टेक्नीशियन है, जो लोग ऑलरेडी इस लाइन में रिपेयरिंग लाइन में काम कर रहे हैं लेकिन अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं ये देखना चाहते हैं कि मोबाइल फोन को रिपेयर कैसे किया जाएगा, मोबाइल फोन का रिपेयर करने का तरीका क्या है, या मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने का सिस्टम क्या है, उन सब चीजों के बारे में देखना चाहते हैं, तो ये अगर 15 से 20 वीडियो देख लेते हैं तो आप मोबाइल फोन में ये समझ जाएंगे कि मोबाइल फोन को रिपेयर कैसे किया जाएगा, मोबाइल फोन के अंदर मदरबोर्ड में काम कैसे होता है, मोबाइल फोन के अंदर सप्लाइयां काम कैसे करती हैं, या आईसियां कैसे काम करती है, कौन सी आईसी की पिन कितना कॉन्फ़िगरेशन होती है, इन सब चीज के बारे में आपको पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जो मैं बात करने वाला हूं, आज मैं बोर्नियो सिमेटिक के बारे में बात करने वाला हूं कि बोर्नियो सिमेटिक के माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन में आने वाली प्रॉब्लम को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, या मोबाइल फोन में आने वाली समस्या को कैसे ठीक करेंगे, उसका तरीका दोस्तों मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। इस सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे किया जाता है, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे किया जाता है, जितने भी सारी फुल इंफॉर्मेशन है मैं आपको ए से लेकर जेड तक सारी चीजों के बारे में बताता हूं। अगर ये 15-20 दिन जो ऐसे वीडियो आने वाले हैं जो आप लोग मिस ना करें, वीडियो को अच्छा देखें, अच्छे से समझें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट पे आप मैसेज करें। और अगर इससे संबंधित कंप्लीट पूरा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या इस सॉफ्टवेयर को परचेस करना चाहते हैं, ऐसी संबंधित अगर कोई भी सुझाव चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, एक एक करके सभी चीजों के बारे में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, ऐसा रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं, ए से लेकर जेड तक, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से सिखाया जाता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट नॉलेज आपको दी जाती है, सभी मोबाइल फोन को बनाने का तरीका आपको सिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, अपने एक एक करके सभी चीजों के बारे में समझते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको दोस्तों इसका सिलेबस क्लियर करना चाहता हूं, क्या क्या चीजें हैं हम आपको जो सिखाएंगे और आप लोग कैसे सीखेंगे। अच्छा, जितने भी सारे लोग हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो मिला हुआ है, अगर आप बोर्नियो के बारे में मास्टर बनना चाहते हैं, मोबाइल फोन में हार्डवेयर सॉल्यूशन के बारे में सीखना चाहते हैं, या मोबाइल फोन में आने वाली प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, कमियों को ठीक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप वीडियो को नोट भी करें, जो भी मैं आपको बताता हूं उसको समझें, अच्छे से लिखें, आपको इतना हेल्प होगा, इतना हेल्प होगा कि जितना मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, जितना मैं आपको फ्री में सिखाने वाला हूं, इतना दोस्त आप पैसा देकर भी नहीं सीखेंगे। लेकिन ये सारी नॉलेज लेने के लिए, अगर आप कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए, पूरा ए से लेकर जेड तक सब चीजों को सीखने के लिए,
तो सर आपको ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त आपको अच्छे से काम करना है, आधा अधूरा सीख करके काम नहीं करना, पूरा फुल टेक्नीशियन बनना है। जब फुल टेक्नीशियन बनना है तो आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर और समझाते हैं क्या क्या सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहली बात बोर्नियोसेमेटिक। बोर्नियोसेमेटिक क्या है? बोर्नियोसेमेटिक एक तरीके का सॉफ्टवेयर है और ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारी हार्डवेयर से संबंधित जो भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सारी प्रॉब्लम को रिपेयर करने में मदद करता है। ये सारे सॉफ्टवेयर को बहुत सारे टेक्नीशियन लोग हैं, उन सारे टेक्नीशियन लोग ने मिल करके इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। इंडोनेशिया कंपनी का सॉफ्टवेयर है और जितने भी सारे टेक्नीशियन है उन सब लोगों ने मिल करके एक अपना एक्सपीरियंस, वो सारा एक्सपीरियंस जो है इस सॉफ्टवेयर के अंदर झोंक दिया। वो इसलिए झोंक दिया ताकि आप लोग जो रिपेयरिंग करने वाले हैं या आप जैसे बहुत सारे जो लोग हैं, जो नए लोग हैं जो इस लाइन में रिपेयरिंग करना चाहते हैं, रिपेयरिंग के फील्ड में बढ़ना चाहते हैं या रिपेयरिंग में काम करना चाहते हैं और उनको बहुत सारी परेशानी आती है, तो उन सारी चीजें परेशानी के आप लोग इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप मदद ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत सारा हेल्पफुल है और आपके लिए बड़ा अच्छा भी है। दूसरी बात क्या है, इस सॉफ्टवेयर का बनाने का मतलब एक भी ये भी है कि जैसे हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने के लिए, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कोई भी सप्लाई लाइन चेक करनी है। अगर हमको सप्लाई लाइन नहीं पता तो हम किसी के पास जब पूछने के लिए जाएंगे तो दोस्त कभी आपको बताएगा नहीं। आपके बगल वाला दुकान वाला है ना, मैं आपको कहता हूं आपके मोबाइल फोन में कोई चार्जिंग एक प्रिंट उखड़ गया, एग्जाम्पल से बात कहता हूं, अगर चार्जिंग का प्रिंट उखड़ गया तो वो ये क्या कहेगा कि भाई अपना फोन हमको दे दो, ये बना देंगे, 100 रुपए लगेगा, तुम अपना जितना चाहो उतना ले लो, लेकिन तुमको ये नहीं बताएगा कि तुम यहां से यहां तक ये जम्पर मार दो और जाओ तुम्हारा काम हो गया, लेकिन ये आपको बताएगा, ये आपकी मदद करेगा। तो उसी तरीके से दोस्तों मैं आपको ये, मेरा कहने का मतलब ये है कि रिपेयरिंग की दुनिया में कोई आपकी मदद करे ना करे, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपकी बहुत मदद करेगा, बहुत सारा हेल्पफुल होगा। और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपने आप को ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट काम सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। और इस सॉफ्टवेयर के बारे में तो मैं आपको बेसिक सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ, एक एक करके सिखाने वाला हूँ, और भी अगर एडवांस लेवल तक की जानकारी लेना चाहते हैं तो जब आप ट्रेनिंग सेंटर में आएंगे तो वो सारी बातें, सारी चीजें आपके साथ में शेयर की जाती हैं और सारी चीजें एक एक करके सब चीजों के बारे में सिखाया जाता है। तो वीडियो में तो फिलहाल इतना, बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि भाई 45 दिन का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो कहीं आधा घंटे 15 मिनट 20 मिनट में नहीं कवर होता, लेकिन जब आप ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो वो सब चीजें आपको कवर होती है और पूरे एक एक करके सिखाया जाता है विद प्रैक्टिकल तरीके से। चलिए हम लोग दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहली बात हम लोग सीखेंगे बोर्नियो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करें। दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सबसे पहली चीज तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है कि जो बोर्नियो सॉफ्टवेयर होता है उस बोर्नियो सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कैसे करें। दूसरी बात क्या है, जब बोर्नियो सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लेंगे तो बोर्नियो सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कैसे करें। बोर्नियो सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, कहां से परचेस किया जाता है, कितने रुपए में मिलता है, कैसे काम करता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। फिर हम लोग सीखेंगे बोर्नियो सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करें। जो बोर्नियो सॉफ्टवेयर आता है उस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे किया जाएगा, उस सॉफ्टवेयर को यूज करने का तरीका क्या है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, अगर हम उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसको कल को परचेस करेंगे तो परचेस करने के बाद उसको यूज कैसे करेंगे, उसको उपयोग कैसे कर पाएंगे, किस तरीके से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कैसे काम करेगा, इन सब चीजों के बारे में बातों में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्नियो सॉफ्टवेयर को आप यूज कैसे करेंगे। जब बोर्नियो सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे तो इसके अंदर हमारा एक फीचर खुलता है हार्डवेयर सॉल्यूशन।
हार्डवेयर सोल्यूशन का मतलब होता है मेरे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर स्पीकर नहीं काम कर रहा है, उस मोबाइल फोन के अंदर माइक नहीं काम कर रहा है, उस मोबाइल फोन के अंदर ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, वो मोबाइल फोन का डिस्प्ले का लाइन खराब हो गया, नेटवर्क का लाइन खराब हो गया, चार्जिंग का लाइन खराब हो गया, या नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, सिम नहीं पकड़ रहा, ऐसी कोई भी अनगिनत बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिस्प्ले में लाइट नहीं जल रही, ऐसी जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी प्रॉब्लम को हम लोग उसको कैसे देखेंगे, कौन सा सप्लाई कहाँ पर जा रहा है, उसको कैसे यूज किया जाएगा, या इस हार्डवेयर सोल्यूशन में आपको मदद मिलता है, इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे। हार्डवेयर सोल्यूशन के बाद हार्डवेयर सोल्यूशन का यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे इसके अंदर फीचर आता है बिट मैप। बिट मैप का आप कैसे उपयोग करने वाले हैं उसके बारे में समझेंगे। बिट मैप का आप कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद सिमेट्रिक के बारे में समझेंगे, सिमेट्रिक क्या चीज होता है, लेआउट क्या है, पीडीएफ को रीड कैसे किया जाता है, मोबाइल फोन के अंदर कौन सी लाइन कहां पर जा रही है, काम कैसे किया जाता है, ये जितने भी सारे हमारे मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन के लिए एक एक करके जितने भी सारे फॉल्ट आते हैं सभी लाइनों को चेक करने के लिए हमारा सिमेटिक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सिमेटिक। इसी सिमेटिक को हम लोग इसकी भाषा में बोलते हैं पीडीएफ। पीडीएफ का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी बोर्ड आता है उस बोर्ड के अंदर का पूरा लेआउट होता है। लेआउट का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल की बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मान लिया मैंने घर बनवाया, तो घर बनवाने से पहले मैंने ऐसा नहीं लिया कि सब कुछ सामान लाया और बनाना चालू कर दिया। सबसे पहले घर बनाने से पहले आजकल का यही तरीका होता है कि हम लोग उसका नक्शा बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? उसका नक्शा। नक्शा का मतलब वो तो उसका मैप बनाते हैं कि भाई ये कमरा कितना रहेगा, ये कमरा कितना रहेगा, कहां पर लाइट की वायरिंग होगी, कहां पर वॉशरूम बनेगा, कहां से पाइप जाएगा, ऐसी जितनी भी सारी जो जानकारी होती है सब उसके अंदर पूरा फिट होता है, ताकि कल को उसको रिपेयर किया जाए, उसको ठीक किया जाए, कल को वहां पर दोबारा मेंटेनेंस का हमारे घर में काम होगा, तो वो सारी बातें उस नक्शे के माध्यम से हमको पता चल जाती हैं कि भैया हमारे में ऊपर से नीचे तक पानी नहीं आ रहा है, तो एक काम करो इस प्लर को तोड़ो, इस प्लर के अंदर ऊपर से नीचे तक का पाइप पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरे घर में एक एक करके छेद कर करके देखा, पूरा घर ही बेकार कर डाला। मान लिया आपके ये पंखा नहीं चल रहा है, तो ये पंखा न चलने का मतलब होता है इस पंखे का सप्लाई सर्किट खराब हो गया है, तो पंखे का सप्लाई सर्किट खराब होगा तो हम पूरे सप्लाई सर्किट को बार बार खोल खोल के देखने से अच्छा हमको पता होना चाहिए कि ये कहां से कहां कैसे कनेक्शन है, अगर इसका हमारे पास कोई सर्किट होता है तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहता है। तो यही सिमेटिक के अंदर दिया होता है, इसी सिमेटिक को इसकी भाषा में सर्विस मैनुअल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस। अच्छा, ये सारे सर्विस मैनुअल जो होते हैं, ये जो मोबाइल फोन कंपनी बना रही है, या मोबाइल फोन के जो कंपनियां मदरबोर्ड बना रही हैं, या वो लोग इस सर्विस मैनुअल को मार्केट में गूगल पे, इन साइटों पे, वेबसाइटों पे उस पीडीएफ को डालते हैं, इस पीडीएफ को डालते हैं ताकि कल को कोई भी टेक्नीशियन है अगर उस मदरबोर्ड को बनाएगा, इस मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करेगा, तो रिपेयरिंग करते समय वो सर्विस मैनुअल उसकी पूरी मैप खोल देगा, पूरा हेल्प करने वाला है। ये आप हार्डवेयर सोल्यूशन है, बिट मैप है, जितने भी सारी चीजें बोल रही हो, सॉफ्टवेयर जो बनाता है वो भी सर्विस मैनुअल के माध्यम से ही देख करके उन सब चीजों को बना करके, लेआउट बना करके आपके सामने देता है। और ये सर्विस मैनुअल कौन बनाता है? कंपनी बनाती है। कंपनी कौन? मतलब जिसने मदरबोर्ड को बनाया है, जिसने मोबाइल फोन को बनाया है, वो सर्विस मैनुअल देता है आपको रिपेयरिंग करने के लिए, और रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट समझाता है। तो वो सारी चीजें जो होती हैं सिमेटिक के अंदर दिया होता है, जो लेआउट और पीडीएफ के रूप में आपके सामने प्रदर्शित होता है, उसको आप कैसे यूज करेंगे, तो ये हम लोग सिमेटिक के बारे में समझेंगे, सिमेटिक क्या चीज है, इन सब चीज के बारे में। उसके बाद सिमेटिक के बाद फिर हम लोग समझेंगे एसओसी चिप। एसओसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ चिप, मतलब हमारे मोबाइल फोन का जो चिप होता है, हमारे मोबाइल फोन की आईसियां होती हैं, वो काम कैसे करती हैं, मतलब जितने भी अंदर की जो आईसी होती हैं, सिस्टम की जो आईसियां होती है, वो आईसी आपस में काम कैसे करती है, कौन सी आईसी किसको सप्लाई दे रही है,
किसमें डाटा जा रहा है, किसमें वोल्टेज जा रहा है, किसमें सिग्नल जा रहा है, कौन सी आईसी किस आईसी के माध्यम से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कनेक्टेड है, कैसे काम करती है, उसका काम करने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हम लोग सिस्टम ऑफ चिप में आईसी की वर्किंग में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ चिप। उसके बाद हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर सिमेटिक बिट मैप लेआउट इसको एक साथ कैसे यूज किया जाता है, या उसको कैसे मोबाइल फोन के अंदर फॉल्ट को डायग्नोस किया जाता है, इन तीनों चीजों का यूज कैसे किया जाता है, उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा। इसके माध्यम से जो मोबाइल फोन तो छोड़ो, लैपटॉप की जो प्रॉब्लम आती है उनको कैसे रिपेयर किया जाएगा, इसके माध्यम से यदि आपकी एलईडी स्मार्ट टीवी अगर वो भी नहीं काम करती, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको भी आप कैसे ठीक कर सकते हैं, या उनको रिपेयरिंग करने का तरीका क्या है। मोबाइल फोन के अंदर आईसी डाटा सीट कि मोबाइल फोन के अंदर जो आईसियां होती हैं, जो आईसियां काम कैसे करती हैं, कौन से आईसी का काम करने का तरीका क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में पूरा डाटा सीट दिया होता है, जिससे हम एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी डाटा सीट। तो आईसी डाटा सीट के माध्यम से हम लोग आईसीओ के एक एक करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जैसे कौन सी आईसी है, उस आईसी में किस पिन पे वोल्टेज जाएगा, किस पे आउटपुट आएगा, कौन सी कंट्रोलिंग करेगी, ऐसे ए से लेकर जेड तक इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं आईसी डाटा सीट। तो आईसी डाटा सीट के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाती है। उसके बाद थर्मिस्टर वैल्यू, मोबाइल फोन की आल सप्लाई कि कौन सी सप्लाई कहां पर जा रही है, डायोड यानी जीआर वैल्यू, ऐसे इसके अंदर बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन इस टूल के अंदर पूरा सब कुछ दिया हुआ है। तो इस टूल के अंदर ये जितने भी सारे इंफॉर्मेशन है, सारे इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हम लोग इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग इसके माध्यम से वन बाय स्टेप सब चीजों के बारे में सीखने वाले और मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने सिलेबस कवर किया है कि मैंने क्या क्या चीजें हम आपको सिखाने वाले, फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों के बारे में समझाएंगे, और जितने भी सारे मैंने टॉपिक आपको बता रखे हैं सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कवर करूंगा, अब पूरा कंप्लीट ए से लेकर जेड तक आप सीखेंगे। उसके बाद मैं एक चीज और आपको बताने वाला हूं, सॉरी 15 पासवर्ड को रीसेट करना। आप बोर्नियो के अंदर अगर पासवर्ड कई बार ऐसा होता है अगर आप भूल जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि लैपटॉप मान लिया आपका डेड हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, या कई बार ऐसा है कि लैपटॉप आपने नया लैपटॉप ले लिया, तो जब नया लैपटॉप ले लेंगे तो फिर इस सॉफ्टवेयर को उसमें कैसे चला पाएंगे, क्योंकि उसमें तो फिर चलेगा नहीं, उसका तरीका क्या है, या पासवर्ड को चेंज कैसे किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में फिर मैं आपको पासवर्ड चेंज करना बताऊंगा, या इसके अंदर और भी छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, या इसको कैसे टीम हेल्प करती है, या और भी बहुत सारी चीजों की जानकारी है, मैं आपको सब चीजें आपको बताऊंगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम लोग बोर्नियो जो सिमेटिक आता है उस सिमेटिक को हम लोग यूज कैसे करेंगे, बोर्नियो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करेंगे, बोर्नियो सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कैसे करेंगे,
बोर्ड में सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होता है, हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या है, बिट मैप क्या है, सिमेटिक क्या है, एसओसी चिप क्या है, सिमेटिक बिट मैप लेआउट, इन सब चीजों का एक साथ कैसे यूज किया जाएगा, कैसे फॉल्ट को ट्रबल शूट किया जाएगा, ट्रबल शूटिंग करने का तरीका क्या होता है, मोबाइल फोन के अंदर कमी कैसे ढूंढा जाएगा, तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। मान लिया आपके मोबाइल फोन के अंदर मदरबोर्ड आपने देखा, उस मदरबोर्ड के अंदर कोई एक चीज शॉर्ट हो रही, ज्यादातर मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों के साथ में ऐसा कई बार होता होगा कि ये आपके सामने बोर्ड आ गया, ये सामने बोर्ड के अंदर मान लिया ये तुम्हारी आईसी लगी है, इस आईसी के अंदर आप देख रहे हैं, इस आईसी के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि भैया इसके अंदर जो ये सारे जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो छोटे छोटे जितने भी सारे कैपेसिटर लगे हैं, ये सारे कैपेसिटर बीप दे रहे हैं, इधर से तो ग्राउंड से बीप दे रहा है चलेगा, लेकिन ये भी बीप दे रहा है, ये भी बीप दे रहा है, ये भी, मतलब सारी चीजें शॉर्ट बता रहा है, इस कॉइल के अंदर शॉर्टिंग हो गई। तो ये सब चीजों की शॉर्टिंग को कैसे ठीक किया जाएगा, या मदरबोर्ड के अंदर ये सप्लाई यहाँ से निकलेगी तो फिर कॉइल पे जाएगी, फिर कौन सी आईसी पे चली जाएगी, ये सारी चीजों का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा इसके अंदर दिया हुआ है, और हम लोगों को रिपेयरिंग करने के लिए बहुत एडवांस चीज है, और काम करने के लिए रिपेयरिंग के मामले मतलब फुल्ली वर्किंग चीज है। तो ये जितने भी सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, फिर इससे लैपटॉप की प्रॉब्लम आती है उसको कैसे ठीक करेंगे, एलईडी स्मार्ट टीवी की प्रॉब्लम आती है उसको कैसे ठीक किया जाएगा, आईसी की डाटा सीट, आईसियां काम कैसे करती हैं, थर्मिस्टर वैल्यू क्या होती है, थर्मिस्टर क्या है, कौन कौन से लगे होते हैं, उनके तरीके क्या हैं, या मोबाइल फोन के अंदर ऑल सप्लाई वोल्टेज कहाँ पर जाते हैं, सप्लाइयां क्या होती हैं, वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, काम करने का तरीका क्या है, डायोड वैल्यू, जीआर वैल्यू क्या है, और पासवर्ड को हम लोग रीसेट कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें जो है वो हम लोग इस अपने इस बोर्डियों के अंदर सब चीजों के बारे में हम लोग दोस्तों कवर करने वाले हैं, एक एक करके सभी चीजों के बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ और आप उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एक एक करके आप वीडियो देखेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे, जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी सारी पहले की वीडियो देखी है आप इन वीडियो को भी देखें, ताकि आपके बहुत सारे हेल्पफुल होंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को रिपेयरिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने के लिए अनलॉक टूल हैं, डोंगल हैं, या ड्राइवर्स हैं, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने के लिए आईसीओ को रिवॉल्व कैसे करना है, मोबाइल फोन के अंदर पार्ट्स को चेंज कैसे करना है, एक एक करके जितने भी सारी जो हैं मैंने बहुत सारा मैंने वीडियो में डाला है, आप चाहें तो उस चैनल में वीडियो को देखें। और अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का इसी तरीके से अगर आप कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, इसी तरीके से एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, 6391711711, 6391711711। इसमें किसी नंबर पर आप बात करें और पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स कैसे सीखा जाएगा उसके बारे में जानकारी लें, क्लास कैसे चल रही है, कैसे आपको सिखाया जाएगा, रहने की क्या सारी सुविधाएं, कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, क्या क्या टूल से सिखाया जाएगा, इन सारी बातों के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एक कंप्लीट मोबाइल फोन रिपेयरिंग के एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।